नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश आस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन की, शनि देव का महापरिवर्तन। जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर कोई ग्रह है तो वो कौन है, शनि महाराज हैं। इसी वजह से उनका जो गोचर है वो थोड़ा, उनका नाम भी दिया गया है, आपने सुना होगा कंटक शनि, साढ़े साथी, ढैया। तो एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन 29 अप्रैल से होने वाला है। उसका रिजल्ट आपके लिए, आपके जीवन में कैसा रहेगा, जीवन के किस क्षेत्र को वो क्या प्रभावित कर सकता है और हम अपनी तरफ से किन बातों का ध्यान रखें, ज्योतिषी रेमेडी क्या हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। अगर हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो शनि जो हैं प्रथम और द्वितीय भाव के मालिक हैं। किसके? फर्स्ट एंड सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि महाराज हैं और वो पहले भाव से द्वितीय भाव में जा रहे हैं। अब तक मकर में थे, अब कुंभ में जा रहे हैं। अब तक पहले भाव में थे, अब दूसरे में जा रहे हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है या नहीं है? अच्छी बात है, क्योंकि अब मूल त्रिकोण में जा रहे हैं, लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिनकी साढ़े साथी भी चल रही थी उनको भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट अब बेटर होने वाले हैं शनि के जाने से। वैसे भी आपने सुना होगा जब साढ़े साथी जाने लगती है तो थोड़ा सा कुछ देकर जाती है, थोड़े से रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। ये एक अमूमन देखने वाला तथ्य है, पर ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में शनि को अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले हैं, आपकी कुंडली में शनि किस स्थान पर हैं या कितने मजबूत हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। पर गोचर में जरूर ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव परिवर्तन है, एक अच्छा परिवर्तन है। धन का स्वामी धन में, मतलब धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, धन के इनकम के सोर्स आपके बढ़ सकते हैं। आपने जो एफर्ट किया, जो हार्ड वर्क किया है पिछले 2.5 साल में, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, उसका कुछ रिजल्ट निकल के यहाँ पर आ सकता है मकर वालों के लिए। इसके साथ साथ आप भी और भी ज़्यादा प्रयास करोगे, एफर्ट करोगे धन के लिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए, पैसों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हाँ, फैमिली के भाव में शनि है तो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की आपके ऊपर आ सकती है, कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत ड्राइनेस फैमिली में रहे। आपको वाणी का थोड़ा सा सोच समझ के उपयोग करना होगा, क्योंकि वाणी में शनि बैठे हैं तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो थोड़ा सा आपके परिवार के बीच में कुछ तकरार का कुछ कारण बने, क्योंकि शनि कहाँ बैठे हैं, वाणी में बैठे हैं। यही भाव खाने का भी है, भोजन का भी है, तो भोजन का विशेष ध्यान रखना है, सात्विक खाना खाने की कोशिश करनी है और अपना भूख जितना उससे हल्का सा कम खाना है, आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उनको पालन करना है तो सही रहेगा आपका। शनि का यहाँ पर आना आपको फैक्ट्री से, जमीन से लाभ दिला सकता है, शनि की चीज़ों से लाभ दिला सकता है, जैसे चमड़ा है, बर्फ है और बहुत सारी चीज़ें जो शनि से रिलेटेड है, मेटल भी है कहीं ना कहीं, मिट्टी है, जमीन है, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, मशीनरी है, ये सब शनि की चीज़ें हैं। वास्तु में भी शनि का उपयोग होता है, वास्तुकला शास्त्री, वास्तु से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। इसके साथ साथ द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है तो आपकी वाणी से आपको लाभ होगा, काम के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में थोड़ा ध्यान रखना है, पर काम के क्षेत्र में आपकी जो वाणी है आपकी मदद करने वाली है, हेल्पफुल रहेगी, लोग उसको सीरियसली लेंगे, उसमें थोड़ा आपकी बातों में वजन रहेगा। इसके साथ साथ शनि की दृष्टियों पर अगर ध्यान दें तो शनि की कितनी दृष्टि है, 3 दृष्टियाँ हैं, 1 तीसरी, 1 सातवीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि आपकी 1, 2, 3 यहाँ पड़ेगी, चौथे भाव पर मेष राशि पर, सातवीं दृष्टि ठीक सामने अष्टम भाव पर सिंह राशि पर और दसवीं दृष्टि आपकी, ये सातवीं हुई तो आठवीं, नौवीं, दसवीं, एकादश भाव पर वृश्चिक राशि पर आपकी दसवीं दृष्टि पड़ जाएगी। तो तीसरी दृष्टि थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर राहु भी चल रहे हैं आजकल मेष में, तो घर में शांति का थोड़ा अभाव रह सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, घर में शांति का अभाव रह सकता है। और इसके साथ साथ ये माता का, मातृभूमि का भी भाव है, वहाँ भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, माता और मातृभूमि से कुछ अलगाव हो सकता है, सेहत थोड़ी खराब भी रह सकती है मदर की, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि चौथे भाव में राहु भी हैं और उन पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, तो चौथा भाव यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव ग्रहों से आप कह सकते हो, ये क्या करा सकता है, ये आपको अपने जमीन से दूर ले जा सकता है, मतलब विदेश की यात्रा करा सकता है, बाहर ले आपको
ले जा सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और बंधु घर में जो फैमिली होती है वहाँ पर भी कुछ अनबन का माहौल रह सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि आ गए आपके और चौथे में आपके शनि की दृष्टि आ गई, ऊपर से वहाँ पर राहु हैं। कार्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कार्य के क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, कार्य के क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, पर हाँ धन के मामले में कुछ ना कुछ धन का लाभ जरूर होगा, धन का कोई सोर्स आपका बनता हुआ यहाँ से दिखाई देता है। सीधी दृष्टि की बात करें जो अष्टम भाव पर आ रही है आपके, तो अष्टम भाव सास ससुर का इन लॉस से कुछ आपका अनबन रह सकती है। कारण क्या है कि अष्टम पर दृष्टि है शनि की, साथ में जो दृष्टि है सिंह राशि पर है, सूर्य और शनि की आपस में कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप तो है नहीं, बनती तो है नहीं, तो मित्र दृष्टि तो नहीं है, तो इस वजह से यहाँ आपके इन लॉस की लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकता है थोड़ा, या तो उनसे आपको कुछ खटपट हो सकती है, उनकी लाइफ में बहुत अच्छा भी रह सकता है आपका रिलेशन, पर उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो, उनकी सेहत में कुछ दिक्कत आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। शनि की दृष्टि अष्टम पर आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, जादू, मैजिक, इस तरह की चीज़ों की तरफ आकर्षित करेगी, आप इन सब चीज़ों की तरफ थोड़े से जुड़ सकते हो, आपका लगाव उन चीज़ों की तरफ जा सकता है शनि की जो दृष्टि यहाँ पर आ रही है। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट से, पिता से थोड़ा सा बना के रखे चल आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य की राशि है और सूर्य हमारी गवर्नमेंट है, पिता है, बॉस है। इसके साथ साथ आपको लॉयल्टी अपने कार्य के प्रति, टाइम टेबल, इसका ध्यान रखना है। जब शनि की दृष्टि उस पर आ रही है आपके सूर्य की राशि पर, तो थोड़ा सा आपको आलसीपन लाएगी, क्योंकि शनि आलस्य अगर नेगेटिव होते हैं तो आलस्य को बढ़ाते हैं, सूर्य जो हैं अगर अच्छे होते हैं तो आपको कमिटमेंट सिखाते हैं, चीज़ों को समय पर पूरा करना सिखाते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं शनि देते हैं अगर अच्छे हैं, और सूर्य अच्छे हैं तब भी ऐसा होता है। तो ये आ रहा है आपका अष्टम भाव पर, अच्छी क्या हो सकता है, ये आपका आयु बढ़ाने वाली है, कोई रोग चल रहा है तो वो शायद ठीक हो जाए। इसके साथ साथ लग्नेश की और द्वितीयेश की दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है, तो अचानक धन लाभ हो सकता है, लॉटरी आदि की प्राप्ति आपको हो सकती है, कुछ गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है, अनअर्न्ड मनी आपको मिल सकती है जो आपने नहीं कमाई है, इस तरह का धन भी आपको आ सकता है। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो आपकी दसवीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, ये भी मित्र दृष्टि नहीं है, मंगल की राशि पर है, मंगल की राशि में शनि उच्च के अवश्य होते हैं पर मंगल और शनि की मित्रता नहीं है, पर इसके बावजूद एकादश भाव पर शनि की दृष्टि बेटर मानी जाती है, मतलब लाभ हो सकता है, लाभ के कुछ सोर्स बनेंगे, बड़े भाई बहनों से कुछ मतभेद होने के चांसेस है, और जमीन आदि से आपको लाभ हो सकता है, फैक्ट्री आदि से आपको लाभ हो सकता है, इस चीज़ को ये दिखा रही है। एकादश भाव आपके गुरु की वाणी भी है, तो आपके गुरु की वाणी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती है, शनि जैसी हो सकती है, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। इसके साथ साथ देखिए लग्न की और धनेश की दृष्टि एकादश पर है, मतलब अपने प्रयास से या फिर आपकी फैमिली के किसी सहयोग से आपको धन लाभ हो सकता है, आपका नेटवर्क सर्किल जो है वो कहीं ना कहीं छोटा होगा, पर जो भी आपके मित्र बनेंगे इस समय वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि सीरियस टाइप के हो सकते हैं। इसका एक और अर्थ निकलता है कि ये सारे फील्ड जहाँ पर जैसे कि माता का आ गया, घर का आ गया, सास ससुर इन लॉज आ गए आपके, और बड़े भाई बहन फ्रेंड्स आ गए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीरियसनेस रखनी है, थोड़ा सा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, उससे भागना नहीं है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है उन चीज़ों में थोड़ा, तो वो चीज़ें थोड़ा बेटर रहेंगी। अगर आप उनको कैजुअली लोगे, भाग्य के भरोसे छोड़ोगे, आलस्य के साथ थोड़ा सा ध्यान मतलब वहाँ पर बढ़ाओगे उन चीज़ों में हैंडल करने में, तो फिर वो चीज़ें नेगेटिव की तरफ भी जा सकती हैं, तो ये भी एक तरीका है उसकी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करने का या बढ़ाने का। अब आ जाते हैं रेमेडीज के ऊपर, कार्मिक रेमेडी जो अभी मैंने बताई कि किस तरह से इस एनर्जी को यूज करना है। इसके साथ साथ शनि वृद्धों से, ओल्ड एज पीपल से जुड़े हैं तो वहाँ आप कोई हेल्प करा सकते हैं, हॉस्पिटल है, जेल है, शमशान है, ये भी शनि से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई आप हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरह की हेल्प कर सकते हैं। और शनि महाराज को हम पीपल के पेड़ से जोड़ते हैं, तो पीपल के पेड़ पर आप दीपक वगैरह जलाना, ये भी शनि की रेमेडी है। इसके साथ साथ हार्ड वर्क, मेहनत, ये सब चीज़ें, एडिक्शन से बचना,
आलस्य से बचना, शनि की जो नेगेटिव क्वालिटी है उनसे बचना, साफ सफाई का ध्यान रखना, समय का पाबंद होना, क्योंकि शनि जो है समय से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, काल से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से जब पूजा की बात आती तो माँ काली वो भी काल को नियंत्रित करती हैं, महाकाल भोलेनाथ से पूजा होती है और हनुमान जी की पूजा होती है। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी शनि के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि कृष्ण जो हैं उनके भक्त हैं, शनि महाराज श्री कृष्ण के भक्त हैं। अगर भोलेनाथ की बात करो तो उनके भक्त तो हैं ही, साथ में भोलेनाथ शनि महाराज के गुरु भी हैं, माँ काली उनकी बहन भी लगती हैं। और कहीं ना कहीं एक स्टोरी भी है पुराणों में कि शनि को काल से जोड़ा गया है और माँ काली काल को नियंत्रित करती हैं। तो इस तरह से हम हनुमान जी की भी रामायण में आपने स्टोरी सुनी होगी। तो ये जो हैं इनमें से किसी एक की या सबकी भी आप चाहो तो वर्शिप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये होगी हमारी रेमेडी, ज्योतिषी रेमेडी हो गई। इसके अलावा आपकी कुंडली में जैसे है, हम लोग कहते हैं ना कई बार हम लोग काली चीज़ों का दान करते हैं, तेल का दान करते हैं, लोहे का दान करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। तो लग्नेश का दान करना ऐसा नहीं है कि अगर हो जाएगा तो एकदम कुछ खराब हो जाएगा, पर हाँ आपके लिए सेवा ज़्यादा बेटर है, मतलब कि इसे गरीबों की सेवा करना, पीपल पर दीपक जलाना, शमशान हॉस्पिटल और आदि में कुछ हेल्प करना, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है बजाय कि तेल देने के या काला कपड़ा देने के या काले तिल देने के। इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से शनि का महापरिवर्तन मकर के लिए। तो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम आदि का, तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।